फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। 10,000 रुपए से कम के प्राइस में कोई फास्ट चार्जिंग वाला स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो और कंफ्यूज हो कि कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है, तो आज के टॉप 3 फास्ट चार्जिंग वाला स्मार्टफोन का वीडियो आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। फास्ट चार्जिंग के साथ साथ एक कैमरा स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो 10,000 रुपए से कम के प्राइस में, तो थर्ड नंबर पे आता है रियलमी का C25Y, जिसे 9,999 रुपए के प्राइस में 4GB की रैम और 64GB स्टोरेज वाले वेरियंट को बाय कर सकते हैं। रियलमी के C25Y का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है बिग बैटरी के साथ साथ फास्टेस्ट चार्जिंग। 5000mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 18 वाट के क्विक चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका कैमरा सेटअप। बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसमें 4x डिजिटल जूम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बाकी के दो कैमरे 2+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ। वही सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है विद स्क्रीन फ्लैश लाइट के साथ। डिस्प्ले सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो 6.5 इंच की एक HD+IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 60Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस की अगर बात करी जाए तो यूनिसॉस का T610 का 1.8GHz वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि इस प्राइस रेंज को देखते हुए आप लोगों को एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। सिक्योरिटी फीचर के लिए बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है रियलमी के C25Y में। फास्ट चार्जिंग के साथ साथ अगर आप लोग भी गेमिंग स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो सेकेंड नंबर पे आता है इन्फिनिक्स का हॉट 11S। वैसे तो इन्फिनिक्स के हॉट 11S का जो प्राइस है वो 10,499 रुपए है, पर अगर आप लोग बैंक ऑफर लगाकर इसको बाई करोगे तो 10,000 रुपए के प्राइस में 4GB की रैम और 64GB स्टोरेज वाले वेरियंट को बाई कर सकते हैं। इन्फिनिक्स के हॉट 11S का भी सबसे बड़ा एडवांटेज है इसकी बैटरी और फास्टेस्ट चार्जिंग। 5000mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 18W के फास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर। MediaTek का Helio G88 का एक गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। एक अच्छे गेमिंग प्रोसेसर के साथ-साथ 6.78 इंच की फुल HD+IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और गेमिंग के अच्छे एक्सपीरियंस के लिए डिस्प्ले में 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। कैमरा सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। वही सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है विद डुअल LED फ्लैश लाइट के साथ। सिक्योरिटी फीचर के लिए बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है इन्फिनिक्स के हॉट 11S। फास्ट चार्जिंग के साथ साथ अगर आप लोग भी एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो जिसमें गेमिंग के लिए एक अच्छा प्रोसेसर हो, फोटोग्राफी के लिए एक अच्छा कैमरा सेटअप हो, बेस्ट क्वालिटी की डिस्प्ले हो, तो फर्स्ट नंबर पे आता है माइक्रोमैक्स का InNote 1, जिसे 9,499 रुपए के प्राइस में 4GB की रैम और 64GB स्टोरेज वाले वेरियंट को बाय कर सकते हैं। माइक्रोमैक्स InNote 1 के काफी सारे एडवांटेज देखने को मिल जाते हैं, पर पहला एडवांटेज है इसकी बिग बैटरी और फास्ट चार्जिंग। 5000mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 18 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है इसकी डिस्प्ले, 6.67 इंच की फुल HD+ पंच होल वाली IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 60Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। कैमरा सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो 10,000 रुपए से कम के प्राइस में माइक्रोमैक्स के InNote 1 में क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 48 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसमें 4x डिजिटल जूम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बाकी के तीन कैमरे 5+2+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ। वही सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि इस ब्राइट एंड में और किसी स्मार्टफोन में इतना अच्छा सेल्फी कैमरा देखने को नहीं मिलता है। गेमिंग परफॉर्मेंस की अगर बात करी जाए तो MediaTek का Helio G85 का एक गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है।